हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। और यहाँ पे देखिए, विटामिन्स की बात करें तो पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी देख लेंगे, मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन के टाइप कितने होते हैं, और यहाँ पे मतलब कि जो विटामिन्स हैं इसके जो रासायनिक नाम क्या है, बीमारी कौन सी होती है इनसे, तो ये सारी चीज़ मतलब कि बेस्ट सोर्स क्या है, इनके सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और उसके बाद लगाएंगे एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और उस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं 25। और ये 25 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं विटामिन के बारे में, और उसके बाद हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। तो देखो, सबसे पहले अगर विटामिन की बात करें तो क्या होती है विटामिन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, विटामिन की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और जो विटामिन है इससे मतलब कि हमें कोई भी ऊर्जा, मतलब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा, कैलोरी ये तो प्राप्त नहीं होती। लेकिन विटामिन करता क्या है, यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिखी है कि ये एक कार्बनिक पदार्थ है जिससे कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन क्या करता है, ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से, अलग अलग रोगों से बचाने में मदद करता है। काफ़ी मतलब कि अलग अलग रोगों से बचाता है। और विटामिन से मतलब कि एक पदार्थ मिलता है, मेटाबॉलिज्म पदार्थ मिलता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली है, कैसा है, कार्बनिक यौगिक है और इससे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये क्या करता है, विभिन्न रोगों से बचाता है हमारी बॉडी को। अब यहाँ पे विटामिन की बात करें तो कितने टाइप के विटामिन होते हैं, तो देखो टोटल विटामिन की बात करें तो A, B, C, D, E, K ये विटामिन होते हैं। बी के काफ़ी सारे टाइप हैं, खूब सारे हैं विटामिन बी, तो उसके लिए मैंने एक अलग ही ट्रिक रख दी है विटामिन बी की। तो सारी अब आ जाएगी, यहाँ सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की फंक ने। अब आप याद कैसे कर सकते हो इसको, याद ऐसे कर सकते हो कि एक बच्चा है और उस छोटे से बेबी को क्या पिलाना था, दूध पिलाना था, लेकिन गलती से उसकी दूध की बोतल में क्या भर दिया, विटामिन पिला दिया। अब उसने इतना विटामिन पी लिया कि विटामिन पीने के बाद उसके क्या लग गए, पंख लग गए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, पंख से याद रख सकते हो कि विटामिन की खोज की फंक ने, ठीक है। अब यहाँ पे विटामिन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। अब इनको याद कैसे करोगे, तो याद आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे मैं दो गिलास ले रही हूँ, जैसे मैंने ये एक गिलास लिया और यहाँ पे एक गिलास लिया, ठीक है। अब इस गिलास में तो क्या है, जल है, इसमें जल है, और इसमें क्या है, इसमें है वसा। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, हम एक कीड़ा लेंगे, कीड़ा हमने लिया और उस कीड़ा को हमने किस में डाला, जल में डाला, यहाँ पे कीड़ा डाल दिया जल में, और इसको चम्मच से हम खूब हिला रहे हैं, लेकिन ये जल में बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है। लेकिन इसी कीड़ा को अगर हमने वसा में डालेंगे तो वसा में डालने पे कीड़ा है ये आसानी से घुल जाएगा। तो यही हमारी ट्रिक हो गई, कीड़ा यानी कि विटामिन के, E, D, A, ये तो क्या गए, क्या हो गए, वसा में घुलनशील, क्योंकि कीड़ा जल में कभी नहीं घुलता। अब बचे कौन से विटामिन, बी और सी, तो ये क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने देख ली है, तो चलो देखते हैं हम आगे। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। विटामिन यहाँ पे देख लिया हमने, वाटर सॉल्यूबल कौन सी, बी सी, क्या ट्रिक बताई थी, कीड़ा। यहाँ पे देखो लिख भी रखी है कि कीड़ा जल में नहीं घुल सकता है लेकिन वसा में घुल सकता है। तो विटामिन के, ई, डी, ए ये तो क्या हो गए, वसा में घुलनशील, और बाकी बचे विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जितने भी विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम है ये याद करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा इनका नाम याद करना। क्या है ट्रिक, रथ पर एक टॉफी, ठीक है, बस इतनी सी ट्रिक है, इतना सा आपको याद करना है, रथ पर एक टॉफी। तो देखो रथ से क्या बना, रैसे बना रेटिनॉल। तो विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है, रोग होता है, वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो यहाँ पे जो ये डिजीज है, बीमारी है, इनकी भी हमने ट्रिक ले रखी है, तो नीचे वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ विटामिन बी की बात करें तो इसका देखो रथ, थै से क्या बना, थै से बना यहाँ पे थाइमिन, थै से बना थाइमिन। तो थाइमिन विटामिन बी वन है, इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। नेक्स्ट है यहाँ पे रथ पर एक टॉफी, ठीक है, तो रथ पर एक टॉफी, तो देखो पर साइलेंट है, एक ए से क्या बना, एस्कर्बिक अम्ल।
तो यहाँ एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। नेक्स्ट यहाँ पे देखा है रथ पर एक क, कैसे क्या बना, कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रिकेटस। फिर रथ एक टॉफी, तो टो से क्या बना, टोकोफेरोल। अब टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बांझपन या नपुंसकता। ठीक है, फिर रथ पर एक टॉफी, तो अब यहाँ पे विटामिन के है, इसकी बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग क्या होता है, रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, ये रोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बोला था कि विटामिन बी है, इसकी मैंने एक ट्रिक ले रखी है, जो जितने भी विटामिन बी है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इनके रासायनिक नाम की ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है ट्रिक हमारी, बहुत ही आसान है, कैसे हमको याद करना है। यहाँ पे हमने मान लिया कि थोरा नाम का एक बंदा है, ठीक है, और ये है न्यूपेंड नाम की एक जगह है। तो जो ये थोरा नाम का बंदा है वो किस जगह पर बसा हुआ है, न्यूपेंड पर बसा हुआ है, बस इतना याद रखना है। तो अब देखो कैसे याद रखेंगे, थो से क्या बन रहा है, विटामिन बी वन है, इसका रासायनिक नाम है थाइमीन, तो थो से बना थाइमीन, और यहाँ पे थो रा, रा से क्या बना, विटामिन बी टू है, इसका जो रासायनिक नाम है रेबो फ्लोविन है। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो। अब न्यू पेंट दे रखा है, तो न्यू से क्या बना, निकोटेनाइड, और या फिर हम नियासिन भी से कह सकते हैं। फिर पेंट, पेंट से क्या बन गया, पेंट से बन गए पेंटोथेनिक अम्ल, और फिर पर बसा, तो पर से क्या बना, पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स का नाम है, और बसा वैसे क्या बना, बायोटीन, और सा से बन गया साइनोकोबालेमिन। तो यहाँ पे हमने ये भी देख ली कि विटामिन बी है, इसकी जितनी भी ट्रिक्स है वो सारी देख ली। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये चीजें आप रिविजन करने में आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो भी विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी ई के, तो इनकी कमी से जो रोग होते हैं उनको याद करने की ट्रिक यहाँ पे हमने लिए है। और क्या है ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है, क्या है देखो, रवे सारे स्वर। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं, देखो रवे को हम रिलेट कर देते हैं रोए, ठीक है, रोए सारे के सारे वर, इस तरह से याद आप कर लीजिएगा। तो रो, तो रे से क्या हो जाएगा, रतोंदी, वे को हम रिलेट करेंगे, भाई जो वे है वे को रिलेट किया, मतलब वे को रिलेट किया वे से। ठीक है, तो वे से क्या हो गया, वेरी वेरी, वेरी वेरी यानी कि जो विटामिन बी है इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी बेरी, तो वे को रिलेट करना है वैसे। फिर सा, सा से क्या हो गया, स्कर्वी, रे से क्या हो गया, रिकेटस, वैसे क्या हो गया, वैसे हो गया यहाँ पे भांजपन, मैंने बताया कि वह है, इसको वैसे रिलेट कर देना, तो वैसे हो गया भांजपन, और रहस्य क्या हो गया, रक्त का थक्का न बनना। तो उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी, फटाफट से एक और बार देख लेते हैं इनको, क्या है ट्रिक हमारी, रवे सारे वर, तो रहस्य क्या हो गया, विटामिन ए का नाम रतों, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतोंदी, फिर है रवे, वे से क्या हो गया, बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी वन की कमी से होता है, फिर सा, सा से हो गया स्कर्वी, रे से क्या हो गया, रिकेटस, व, फिर वर आ रहा है, तो वर में वैसे हो गया बांझपन, और रैसे हो गया रक्त का थक्का न बनना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए विटामिन ए की बात करें, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, देखो इसका रासायनिक नाम देख लिया रेटेनॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग रतोंदी, और हाँ बेस्ट सोर्स की बात करें, स्त्रोत क्या है, गाजर सबसे उत्तम स्त्रोत है, उसके बाद दूध, अंडा, फल। विटामिन बी वन की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम हम देख चुके हैं थाइमीन, इसकी कमी से होने वाला रोग भी हमने देख लिया, और स्त्रोत है मूंगफली, आलू, सब मतलब ये सब सारी चीजें। ठीक है, फिर विटामिन बी टू का भी आप देख सकते हो, रासायनिक नाम हमने देख लिया इसका, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा फटना और आंख का रोग, और इसके सोर्स की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विटामिन बी थ्री की बात करें, तो रासायनिक नाम हमने ऑलरेडी देख लिया, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बाल सफेद होना और पैरों में जलन, और इसका स्रोत की बात करें तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। फिर विटामिन बी फाइव की बात करें, तो रासायनिक नाम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मासिक विकार, जिसे पैलाग्रा भी कहते हैं, और इसके सोर्स आप देख लीजिए मांस, मूंगफली, आलू।
नेक्स्ट देखिए विटामिन B6, इसका भी हमने देख लिया रासायनिक नाम क्या है जो ट्रिक बताई थी उसमें, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया और त्वचा रोग। सोर्स की बात करें तो सोर्स आप देख सकते हो दूध, मांस, हरी सब्जियां, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए ताकि आप रिवीजन करने में आसानी हो आपको। फिर यहाँ पे B7 का भी हमने देखा रासायनिक नाम बायोटीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बालों का गिरना और चर्म रोग। स्त्रोत क्या है? ईस्ट, गेहूं, अंडा। नेक्स्ट यहाँ देखिए विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, और बेस्ट सोर्स क्या है? मांस, दूध, कलेजी, कजेली। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एस्कर्बिक एसिड होता है, और इसका मतलब कि इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग, जो कि ऑलरेडी ट्रिक से कराया था। सोर्स की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, और खट्टे फलों में भी सबसे ज्यादा किस में होता है? आंवले में, आंवला होता है सबसे पहले, उसके बाद नींबू, संतरा, सब कुछ। नेक्स्ट यहाँ देखिए विटामिन डी की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। रिकेटस की बात करें तो बच्चों में अंगों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ना, ये बीमारी होती है रिकेटस। अब यहाँ बेस्ट सोर्स की बात करें विटामिन डी के तो मछली के लीवर का जो तेल होता है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का जो सुबह सुबह का जो किरणें होती है ना सुबह सुबह की, मतलब कि 10 से 15 मिनट की, उन्हीं से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप विटामिन ई की बात करें तो रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोन, और इसकी कमी से रोग होता है बांझपन और नपुंसकता। सोर्स की बात करें तो सोर्स आप देख सकते हो दूध, हरी सब्जियां और मक्खन। विटामिन के की बात करें रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग क्या होता है? रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, और सोर्स की बात करें तो सोर्स आप देख सकते हो। तो चलो अब बारी है प्रैक्टिस सेट की, फटाफट से प्रैक्टिस सेट लगाना है। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हम कर ही चुके हैं, जो चीजें मतलब कि थ्योरी हमने कर ली, तो फटाफट से यहाँ पे विटामिन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है विटामिन ए है, इसका हमें बताना है कि किस नाम से जाना जाता है, तो क्या आंसर होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटेनॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बता देना है, तो क्या बताया था? एक ट्रिक मैंने बताई थी रथिक टॉफी, तो रथ एक ए से क्या हो गया? स्कर्बिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताया था मैंने, सारे जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में होता है, लेकिन खट्टे में भी आंवला में सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बेरी बेरी रोग है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया विटामिन B1 की कमी से, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो थ्योरी पढ़ने से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, तो फटाफट हम आंसर कर पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है रतौंधी है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैंने बताया था किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको याद कराई थी, क्या ट्रिक थी? कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? कभी भी जो ये कीड़ा है जल में नहीं घुलता, लेकिन ये वसा में घुल जाता है, तो विटामिन KEDA ये सारे क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो इनमें से सभी, यहाँ पे मतलब कि ये सारे के सारे हैं। देखो यहाँ पे इसको सही कीजिएगा, यहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबाउ लिखना था, तो यहाँ पे ये सारे के सारे हैं, ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनका आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, मैंने बताया विटामिन KEDA और ए। अगला देखिए क्वेश्चन अब जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील बाकी जो बचे हुए विटामिन है बी और सी ये क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बोथ, यानी विटामिन बी और सी दोनों। ये देख लीजिए जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वाटर सोल्यूबल, वो विटामिन ये हैं बी और सी। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेटेनॉल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? थाइमिन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है, तो ऑप्शन देखिए टिक करना पड़ेगा, क्या है ऑप्शन? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और अगर मछली का लीवर का तेल दिया होता तो सूर्य के प्रकाश से पहले उसको हम आंसर करते, क्योंकि सबसे ज्यादा मछली के लीवर के तेल में होता है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो स्कर्वी रोग होता है वो किस कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन सी।
अगला देखिए क्वेश्चन है, नपुंसकता और बाध्यता जो रोग है मतलब किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैंने बताया था विटामिन ई की कमी के कारण से, और इसका रासायनिक नाम बताया था टैकोफेरोल। अगला विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर करना है। तो विटामिन B7 की बात करें तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। जो विटामिन बी के जितने भी विटामिन बी है इनकी जो ट्रिक बताई थी उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी थी। पायरेडॉक्सिन की बात करें तो ये विटामिन B6 का है, ये B7 का हो गया, और एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का है, और जो फिलोक्विनोन की बात करें तो विटामिन K का रासायनिक नाम है। अगला मछली की यकृत में यकृत का जो तेल होता है इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो मैंने बताया था कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑलरेडी मैंने बताया था क्या था, फिलोक्विनोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ये, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है उसका हमें नाम बताना है क्या है? तो विटामिन ई की विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकेटस। एनीमिया की बात करें तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, और स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है, ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखो यहाँ पे जो सब्जियां होती है छिली सब्जियों को धोने पे भी विटामिन सी है ये नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के है, इससे क्या बनता है रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का विटामिन के से क्यों बनता है? तो ये इसलिए बनता है क्योंकि जो विटामिन के है ये एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आप देख सकते हो विटामिन शब्द ये किसने दिया? तो हमने बताया था विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा फंक। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हमें बताना है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन ए और बी है इसका रसायन इसका आविष्कार किया मैकुलन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 है इसकी कमी से पुरुषों में होने वाला रोग कौन सा होता है? तो मैंने बताया था विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गोल्डन चावल जो होते हैं इसमें प्रचुरतम स्त्रोत होता है, कौन से विटामिन का प्रचुरतम स्त्रोत है ये गोल्डन चावल? तो गोल्डन चावल की बात करें तो विटामिन ए है इसका, विटामिन ए काफी पाया जाता है किसमें, गोल्डन चावल में। अगला है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखो विटामिन B12 है इसका मैंने रासायनिक नाम आपको बताया था क्या था, साइनोकोबालेमिन। तो साइनोकोबालेमिन तो इसमें क्या होता है कोबाल आ रहा है, तो कोबाल से कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, जो कि कैंसर के रोग में उपयोगी होता है। कोबाल्ट जो थेरेपी होती है केमोथेरेपी उसमें उपयोग किया जाता है इसका। तो राइट आंसर हो गया विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए है ये मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए 25 क्वेश्चन, और विटामिन टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही घंटे के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए, इससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।